हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे का टिफ़िन लगा रही हूँ मैं। अर्ली मॉर्निंग हो रही है और मैंने व्हीट फ्लोर ले लिया है। अब मैं आज राइस के पराठे बनाऊंगी। मैंने बॉइल्ड राइस कर लिए हैं, अब मैं इसके अंदर राइस डालूंगी और इसके अंदर सॉल्ट और रेड पेपर डालूंगी। रेड चिली पेपर बहुत थोड़ा सा डालूंगी। अब इसको अच्छे से मैश करते हुए गूंथ लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिला लीजिए और तब आपको लगे कि हाँ अब पानी की ज़रूरत है, तब इसमें पानी डाल लीजिए। पानी से बहुत ज़्यादा नहीं लगता। आटा गूंथ के तैयार है। हम थोड़ा सा फ्लोर हाथ में लगा के ये ऐसे आटा लेके इसको बनाते हैं। ये थोड़े से मोटे बनेंगे, हल्के से मोटे बनेंगे। ऐसे पेड़ बना के रख लीजिए। मैंने इसे बहुत ही कम ऑयल लगा के बनाया है। बहुत सोने सोने से पराठे से पीएंगे। बहुत सोने सोने के पराठे सीख लीजिए। इसके सारे पराठे ऐसे राइस स्ट्रेनर में रख दीजिए। सारे पराठे आप राइस स्ट्रेनर में रख के जब उसमें हल्की सी भाप निकल जाए तब आप उसे कैसरोल में रख दीजिए ताकि वो गर्म रहे। पराठे मैंने बना लिए हैं। अब मैं टिफिन में रखने के लिए सब्जी बनाऊंगी। मैंने टमाटो ले लिए, अनियन ले ली और मिल्क क्रीम ले ली। अब मैं इसमें बिना विदाउट घी बनाऊंगी क्योंकि फिर टिफ़िन के वेजिटेबल बॉक्स में से घी निकल के सब बैग ख़राब कर देता है। इसको भून के इसमें से नमक मिर्च डाल के मैं इसमें क्रीम डालूंगी जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें अब इसमें क्रीम डालूंगी। धनिया अच्छे से धो लिया है, मैं इसके अंदर धनिया डालूंगी, धनिया लीव्स। अब हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे ताकि टिफिन में से बाहर ना निकलेंगे। मुश्किल से 2 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जब तक सब्जी थोड़ी ड्राई हो रही है हम पराठों को इसमें रैप कर लेते हैं। मैंने फॉइल पेपर में रैप कर लिया है। बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, इसमें आप हल्के बारीक बारीक से कटे हुए काजू और बादाम भी काट के बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले। बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब ये इसमें वेजिटेबल बॉक्स में रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। पिन लग गया है, हम इसको बंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।